हेलो एंड नमस्कार टू ऑल। मैं संजय परमार, सीबीएसई दोस्त। आप सभी का मेरे नए चैनल सीबीएसई दोस्त में स्वागत करता हूं। इस चैनल पे मैं आपको सीबीएसई के अपडेट्स यहां पे लेकर के दूंगा, तो जो भी अपडेट्स यहां पे आएंगे वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी सर्कुलर आया था मार्च 31 को, उसका नंबर यहाँ पे है ACAD 28/2021। तो यहाँ पे CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और कैसे एंट्री भेजनी है, तो उसके बारे में सर्कुलर था। तो इस वीडियो में हम पूरी चर्चा इसके बारे में करेंगे। तो इससे पहले, आप अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ वीडियो मैंने पुराने डाले हुए हैं, पर जब से मैं सीबीएसई के अपडेट इस चैनल पे आपको देता रहूंगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको यहाँ पे सीबीएसई के न्यूज और सीबीएसई की जो वीकली अपडेट है मैं आपको यहाँ पे देता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो सर्कुलर आया हुआ है, इसमें क्लियरली लिखा है सब्जेक्ट CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए, एम टू कॉम्पिटिशन क्या है, टू बिल्ड अवेयरनेस, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टू सपोर्ट साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड इनोवेटिव स्पिरिट। तो यहाँ पे ये इसके कॉम्पिटिशन के एम है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एनी इंडियन स्कूल गोइंग स्टूडेंट अप टू क्लास 12 बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज ऑन 1 जनवरी 2021। तो यहाँ पे बिलो 18 ईयर्स के कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे एंट्री सबमिट कर सकते हैं। एंट्री सबमिट कैसे करेंगे, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एंट्रीज इज 30th अप्रैल। तो 30th अप्रैल तक यहाँ पे सबमिट कर देना है। द एंट्री शुड बी सबमिटेड इन हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद द ऑथेंटिकेशन लेटर फ्रॉम द स्कूल हेड टू हेड CSIR इनोवेशन प्रोटेक्शन यूनिट विज्ञान सूचना भवन 14 सत्संग विहार मार्ग स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया न्यू दिल्ली 110067। तो ये यहाँ पे एड्रेस दिया है, वहां पे करना है। अब अवार्ड यहाँ पे क्या क्या है, तो अवार्ड यहाँ पे देखे है 15 अवार्ड्स विल बी गिवन फॉर नोवेल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट आइडिया डिजाइन सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग सोसाइटल प्रॉब्लम्स। तो ऐसा कोई काम किया है, किसी बच्चे ने ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया है जो इन सभी को एड्रेस करता हो और ऐसी चीज है, तो आप इसकी एंट्री यहाँ पे भेज सकते हैं। फर्स्ट प्राइज 1,00,000 रुपीज है, सेकंड प्राइज ₹50,000 है टू नंबर्स, थर्ड प्राइज ₹30,000 है थ्री नंबर्स, फोर्थ प्राइज ₹20,000 है फोर्थ नंबर्स, और फिफ्थ प्राइज है ₹10,000 फाइव नंबर्स। तो ये यहाँ पे रहेगा। CSIR विल ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग इन IPR टू सिलेक्टेड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स अलोंग विद देयर साइंस टीचर्स। द डिटेल गाइडलाइन फॉर द पार्टिसिपेशन इन द कॉम्पिटिशन इज अवेलेबल। तो यहाँ पे मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ कि डिटेल क्या है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल आपको, ये मैं दोनों PDF यहाँ पे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन ऑफ यंग माइंड, तो यहाँ पे लिखा है क्लियरली। देखिए एलिजिबिलिटी तो हमने डिस्कस कर लिया, ये भी कर लिया, अब कैसे क्या करना है। तो देखिए CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन, तो ये मैंने उसी वेबसाइट से PDF ओपन किया हुआ है यहाँ पे डाउनलोड करके। तो यहाँ पे मोटिवेशन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज द प्रीमियर इंडस्ट्रियल R&D ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन टू क्रिएट अवेयरनेस इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैज बीन क्रिएटेड टू सपोर्ट साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड टू जनरेट इनोवेटिव स्पिरिट अमंग स्कूल चिल्ड्रन। तो यहाँ पे इनोवेटिव अगर कोई आइडिया है किसी बच्चे के पास, ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है, तो सोसाइटल इम्पैक्ट बहुत ही बढ़िया हो उसका, कहीं कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसा कुछ है तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है आगे, तो यहाँ पे आगे लिखते हैं CIASC इज एन एन्युअल नेशनल कॉम्पिटिशन टू हार्नेस द क्रिएटिव एंड इनोवेटिव स्पिरिट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। द कॉम्पिटिशन हैज बीन स्टार्टेड इन द ईयर 2002 ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे विच इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑन 26th अप्रैल। CSIR इन्वाइट स्टूडेंट्स टू सेंड देयर ओरिजिनल क्रिएटिव टेक्नोलॉजिकल एंड डिजाइन आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ प्रपोजल फॉर द कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे क्या भेजना है वो ध्यान से समझ लीजिए, क्या भेजना है, तो यहाँ पे पूरी जानकारी इन्होंने दी है। CSIR इन्वाइट स्टूडेंट्स टू सेंड देयर ओरिजिनल क्रिएटिव टेक्नोलॉजिकल एंड डिजाइन, जो टेक्नोलॉजिकल और डिजाइन हो ऐसी कोई चीज यहाँ पे भेजनी है, प्रपोजल फॉर द कॉम्पिटिशन। सपोर्ट द प्रपोजल इन्वाइटेड फॉर द अवार्ड फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज एंड फॉर प्रोवाइडिंग द फिजिबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ द कंसेप्ट ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। विनिंग एंट्रीज आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नोवेल्टी एंड यूटिलिटी फॉर एनी न्यू कंसेप्ट
और आइडिया और डिजाइन और सॉल्यूशन टू एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम और अ कंप्लीटली न्यू मेथड डिवाइस यूटिलिटी। तो यहाँ पे कोई नया डिवाइस होगा, कोई नया इनोवेशन है, तो उसको यहाँ पे एंट्री में प्राधान्य दिया जाएगा। तो एंट्री में उसको मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रपोजल कैसे सबमिट करेंगे, यहाँ पे लिखा है द प्रपोजल सबमिटेड शुड बी दैट इज नॉवेल एंड यूटिलिटेरियन। ओके, इट कुड बी अ न्यू कंसेप्ट और आइडिया और डिजाइन और सोल्यूशन टू एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम और कम्प्लीटली अ न्यू मेथड प्रोसेस डिवाइस यूटिलिटी। तो ये कुछ भी होना चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ द इनोवेशन शुड हैव बीन प्रूव्ड थ्रू अ मॉडल और प्रोटोटाइप और एक्सपेरिमेंटल डेटा। इट इज एनकरेज दैट द फोकस ऑफ स्टूडेंट ऑन इनोवेशन इज थ्रू डिजाइन आइडियाज। तो यहाँ पे डिजाइन आइडियाज पे फोकस किया गया है। However, innovations related to the other topics would equally be eligible. Essays, mere compilation of information from published literature downloaded from internet will not be considered. तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि डाउनलोड करके सीधा सबमिट कर दिया तो वो नहीं चलेगा, अपने खुद के आइडियाज होने चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए। डिटेल्स ऑफ एनी असिस्टेंस गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय टीचर्स पेरेंट्स फ्रेंड्स और अदर्स मस्ट बी एप्रिसिएटली एक्नॉलेज। तो यहाँ पे जो भी प्रोवाइड करेंगे असिस्टेंस आपको, चाहे आपके पेरेंट्स है, टीचर्स है, या कोई भी फ्रेंड है, या तो आपके एल्डर्स है, जो ब्रदर सिस्टर जो भी है, तो सारी चीजें यहाँ पे कंसिडर की जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेंट मस्ट सबमिट द डिटेल्स ऑफ इनोवेशन प्रपोजल्स बाय हार्ड कॉपी इन इंग्लिश हिंदी नॉट मोर देन 5000 वर्ड्स एलॉन्ग विथ ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय प्रिंसिपल हेड ऑफ द स्कूल वेयर द स्टूडेंट इज एनरोल। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल, एप्लीकेशन मस्ट सबमिट द डिटेल्स प्रपोजल बाय इन हार्ड कॉपी इन इंग्लिश हिंदी में लिख सकते हैं, बट 5000 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एलॉन्ग विद द ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट, तो ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट प्रिंसिपल के थ्रू या तो स्कूल हेड के थ्रू यहाँ पे इश्यू किया होना चाहिए। प्रपोजल्स मस्ट हैव टाइटल ऑफ द इनोवेशन, पहले नाम लिख दीजिए क्या है, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट, स्टूडेंट का नेम एंड डेट ऑफ बर्थ होगा उसमें, स्कूल एंड रेसिडेंशियल एड्रेस, क्लास, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो इतनी डिटेल भर के आपको ये लेटर यहाँ पे हार्ड कॉपी भेजना है। सिलेक्शन, यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, द प्रपोजल फॉर CIASC अवार्ड 2021 शुड रिलेट टू इनोवेशन डेवलप पब्लिश एग्जीबिटेड ड्यूरिंग द पीरियड January 1, 2020 टू 31st December 2020। तो यहाँ तक का यहाँ पे जो दायरा है उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। द एप्लीकेशन फॉर द अवार्ड नॉट एक्सीडिंग 5000 वर्ड्स इन इंग्लिश हिंदी विद रिक्वेसाइट ड्रॉइंग्स फोटोग्राफ्स विल बी कंसिडर। तो यहाँ पे फोटोग्राफ्स ड्रॉइंग जो भी बनाए हैं इस दौरान, डिजाइन जो भी आपने बनाया है, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड करना है और वो कंसिडर किया जाएगा। द राइट अप मस्ट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट मैटर इन प्रॉब्लम सॉल्यूशन मोड हाईलाइटिंग द नोवेल फीचर्स ऑफ द इनोवेशन एंड इट्स एडवांटेजेस। तो ऐसी चीजें हैं उसको हाईलाइट करना है क्या, तो यहाँ पे देखिये सब्जेक्ट मैटर जो होता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन मोड जो होता है, हाईलाइटिंग द नोवेल फीचर्स, उसके फीचर्स क्या है जो नोवेल है उसको हाईलाइट करेंगे। द अवार्ड विल बी सिलेक्टेड बाय हाई लेवल अवार्ड सिलेक्शन कमिटी, द डिसीजन ऑफ द अवार्ड कमिटी CSIR विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द एप्लीकेंट्स एंड नो एंड इंक्वायरीज करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन। आ जाने के बाद प्राइज के लिए आप यहाँ पे कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकते, यहाँ पे वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अवार्ड वुड बी अनाउंस ऑन और बिफोर 26 सितंबर, और 26 सितंबर से पहले अवार्ड अनाउंस किया जाएगा, 26 सितंबर 2021 से पहले। तो ये है यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेंट एंड एप्लीकेशन। तो क्या क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे देखिए एनी स्कूल गोइंग स्टूडेंट अप टू क्लास 12 एंड बिलो 18 इयर्स ऑफ एज एज ऑन 1 जनवरी 2021 वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई इन इंग्लिश और हिंदी थ्रू द प्रिंसिपल और हेड ऑफ द स्कूल फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पजेस। प्रपोजल कैन बी सबमिटेड बाय अ स्टूडेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी सबमिट कर सकते हैं। हाउएवर सिंगल अवार्ड विल बी गिवन टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप में किया तो भी अवार्ड तो यहाँ सिंगल ही मिलेगा। द प्रपोजल्स वुड बी कैटेगराइज इन ग्रुप सच एज बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, डिवाइस एंड डिजाइन। तो ये कैटेगरी है, यहाँ पे ऐसे कैटेगराइज किया जाएगा। हाउएवर डिजाइन बेस्ड एप्लीकेशंस आर एनकरेज, द एलिजिबल इनोवेशन फॉर कंसिडरेशन शुड बी नॉवेल एंड यूटिलिटेरियन फॉर एनी न्यू कंसेप्ट और आइडिया और डिजाइन और सोल्यूशन टू एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम और कम्प्लीटली न्यू मॉडल डिवाइस यूटिलिटी। टू कंसेप्ट द इनोवेशन शुड हैव बीन प्रूव्ड थ्रू अ मॉडल और प्रोटोटाइप और एन एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको भर देना है। ये प्राइस के बारे में हम बात कर चुके हैं, कहाँ भेजना है वो तो हम पहले से बता चुके हैं, उस एड्रेस पे पोस्ट करना है।
देखिए, इट मे बी प्लीज नोटेड दैट हार्ड कॉपी ऑफ ऑल एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड थ्रू द पोस्ट विथ ऑथेंटिकेशन लेटर फ्रॉम द स्कूल प्रिंसिपल ऑन द इनोवेशन क्लेम्स बीइंग मेड। बार बार यही लिख रहे हैं, CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन 2021 पार्टिसिपेंट्स कैन सबमिट देयर एंट्रीज थ्रू ईमेल आईडी। तो यहाँ एंट्रीज ईमेल आईडी थ्रू भी आप भेज सकते हैं, CIASC.IPU@NISCAIR.RES.IN इस ईमेल आईडी पे भेजना है। स्कैन कॉपी ऑफ ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट अगेन वही है, एनरोल इज नेसेसरी विद प्रपोजल, इन एब्सेंस ऑफ द सेम योर स्कूल प्रिंसिपल मे प्लीज फॉरवर्ड द एंट्रीज टू ईमेल आईडी। तो ये यहाँ पे कर सकता है ईमेल आईडी पे। डेडलाइन यहाँ पे है 30th अप्रैल तक आपको भेज देना है। एप्लीकेशंस रिसीव्ड ऑन और बिफोर 30th अप्रैल विल बी कंसीडर्ड फॉर द अवार्ड, उसके बाद वाला कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आशा रखता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, डिटेल जानकारी मैंने यहाँ देने की कोशिश की है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने जो भी दोस्त है जो भी CBSE स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है, जो भी कुछ इनोवेटिव सोच रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले CBSE अपडेट के साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।